मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। पंजाब दे लोकां ने भारी गिणती च वोटां पा के अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभा दिती है। हुण अगे की जिम्मेवारी निभाउण की वारी मेरी है। अज मैं पंजाब लई एक बहुत वड्डा ऐलान करन जा रहा। इस ऐलान तो बाद पंजाब दे लोकां नूं उन्हां दी रोज़ाना की जिंदगी दे विच बहुत सहूलत मिलेगी। उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है वह सौखी हो जाऊगी, उन्हां कोई परेशानी नहीं होनी। पंजाब दे विच जिथे भी मैं जांदा सी भ्रिष्टाचार की गल हुंदी सी। लोग कहिंदे सी कि जी आ सिस्टम नूं बदलो, बहुत असीं दुखी हाँ, इस सिस्टम नूं सुधारन की लोड़ है। उन्हां दी जिंदगी नूं आसान बनाउणा ये मेरा फर्ज है। इसलिए अज मैं इस नाल जुड़िया एक बहुत वड्डा ऐलान करन जा रहा। शायद ये पंजाब दे इतिहास दे विच सब तो वड्डा ऐलान होवेगा। इहो जिहा ऐलान पंजाब दे विच पहलां कदे नहीं होया। तुहानू याद होगा कि जदों दिल्ली दे विच केजरीवाल साहब की 49 दिन की सरकार बनी सी तां उन्होंने ऐलान किया सी कि जेकर कोई लोकां तों रिश्वत मंगदा अफसर कोई तां उहदी आडियो जां वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हां नूं भेजो। उस नाल दिल्ली दे विच भ्रिष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया। इस गल का नतीजा निकलिया कि उस तों बाद लोकां ने उन्हां नूं मुड़ वड्डे बहुमत नाल वार वार जिताउणा शुरू करता। दिल्ली की सरकार जिहड़ी है वह सौंप दित्ती केजरीवाल साहब नूं। अज मैं पंजाब दे विच वी उस तरह का ऐलान करन जा रहा। असी आने वाले कुछ दिनों पंजाब दे अंदर भी इहोजी हैल्पलाइन शुरू करांगे। 23 मार्च नूं शहीद आजम भगत सिंह राजगुरू सुखदेव होरां दी बरसी है। उन्हां दे शहीदी दिहाड़े ते मैं एक नंबर हैल्पलाइन का जारी करूँगा। वो नंबर जिहड़ा है वह मेरा परसनल वट्सएप नंबर होगा। पूरे पंजाब दे विच जेकर कोई थोड़े तो रिश्वत मंगदा है तां इनकार ना करियो, मना नहीं करना। इहदी वीडियो जां आडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर ते भेज दिओ। मैं तुहानू गरंटी दिंदा कि मेरा दफ्तर जिहड़ा है वह इहदी पड़ताल करूगा ते दोषी पाए जाण ते कोई भी भ्रिष्टाचारी जिहड़ा है वह बख्शिया नहीं जाऊगा। सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि भ्रिष्टाचार जिहड़ा है वह स्यौंक वांगू लग चुके है। सो मैं किसी अधिकारी जां कर्मचारी नूं धमकी नहीं दे रहा। पंजाब सरकार विच काम करदे 99% अधिकारी ते कर्मचारी बहुत ईमानदार ने, अपना काम पूरी ईमानदारी नाल वफादारी नाल निभाउंदे ने। सिर्फ एक फीसदी हैगे लोग इहो जिहे जिहड़े गलत ते बेईमान ने। वो कहिंदे ने ना कि एक मच्छी पूरे तालाब नूं गंदा कर दिंदी है, तां उस एक फीसदी करके मैं समुची अफसरशाही ते मुलाजमां दी बदनामी नहीं होण देणी, बिल्कुल बदनामी नहीं होगी। मैं सारे ईमानदार अधिकारी ईमानदार कर्मचारियों के नाल खड़ा ते उन्हां दा साथ मैं देऊंगा। एक सब तो वड्डी गल, भ्रिष्टाचार के विरुद्ध यह सख्त कार्रवाई सिर्फ अते सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही कर सकती है। बाकी सारिया जिहड़ियां पार्टियां ने उन्होंने तो हुण तक इस सिस्टम नू बिगाड़िया है। उपर तो लैके थले तक उन्हां दे आगू अफसर पुलिस वालियां दे तो हफ्ता वसूली वो करते रहे ने। यह सारा पैसा जां तां उन्हां दी पार्टी नू जांदा सी जां फिर मंत्रियां ते लीडरां दीआं जेबां दे विच जांदा सी। आम आदमी पार्टी नू अजिहे नजायज़ ते भ्रिष्टाचार दे पैसे दी लोड़ नहीं। आम आदमी पार्टी ईमानदारी दे पैसे नाल चोणां लड़दी है। हुण असीं इस पूरी भ्रिष्टाचारी प्रणाली नू रोकांगे। मैं सारे अफसरां नू पुलिस वालियां नू कहना चाहुंदा कि तुसीं बिल्कुल भी चिंता ना करो,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।